नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की सटासट खबरों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद आज पहुंचे अजमेर। सर्किट हाउस में कुछ देर विश्राम के बाद जाएंगे दरगाह। ख्वाजा साहब की दरगाह पर देंगे हाजिरी। रोडवेज के नई बसों के हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम आज हुआ। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कार्यक्रम में सुनाया किस्सा, कहा मैं हर फोन खुद उठाता हूं। दिल्ली पुलिस ने छोटा शकील के खिलाफ FIR दर्ज की। नामी नेताओं की हत्या की साजिश करने का भी आरोप। कुछ जजों को भी निशाना बनाने की साजिश। धौलपुर में प्राचार्य को ताले में बंद करने का मामला आया सामने। अध्यक्ष और प्राचार्य में चला आरोप प्रत्यारोप का दौर। प्राचार्य ने लगाया अध्यक्ष पर बदतमीजी का आरोप। घटना के बाद कॉलेज प्रबंधन ने किया अध्यक्ष को निलंबित। आगामी आदेश तक निलंबित के आदेश किए जारी। दिल्ली में IAS के आवास पर CBI के छापे पड़े। घूसकांड प्रकरण के IAS अफसर पर छापे। उदित प्रकाश राय के घर पर चल रही है कार्रवाई। आधा दर्जन नामों पर मुहर लगने की संभावना। वित्त सत्र के दौरान हो सकता है नामों का ऐलान। अनुभवी और नए चेहरों की वरीयता संभव। जयपुर में राजनीतिक नियुक्ति की हुई चर्चा। DCP ईस्ट राहुल जैन की बड़ी कार्रवाई आई सामने। सांगानेर में व्यापारी से 2 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले का पर्दाफाश हुआ। रोमी गोदा से मांगी गई थी 2 करोड़ की फिरौती। अज्ञात ने फोन कर दी धमकी। मुंडवा के जनाड़ा गांव के खेत में मृत मिल राष्ट्रीय पक्षी मोर। 13 राष्ट्रीय पक्षी मिले मृत अवस्था में। मुंडवा तहसीलदार और वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर। घटना के कारणों का नहीं हुआ अभी तक खुलासा। दिल्ली विधानसभा चुनाव महासंग्राम में मनोज तिवारी के नाम पर एक लेटर हो रहा वायरल। आम आदमी पार्टी को दिखाया गया बढ़त में। ब्यावर में बालिकाओं को मिला गार्गी पुरस्कार। बालिका प्रोत्साहन भी पुरस्कार दिया गया। शहर के पटेल स्कूल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सचिव पारस पंच और प्राचार्य राजेश जिंदल ने 329 बालिकाओं को प्रमाण पत्र और 148 बालिकाओं को चेक वितरित कर किया सम्मान। सटासट खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।